का चल रहा हूं जो हमें तो फालतू की बात ना करो, तुमने जो ठीक ना करो, फैसला सुनाने की जगह कोर्ट एडजन करके भगियाई तुम, न्योछावर पति से अलग डकार गई और बाद में तुमने जो सब गलत कर दो, समझ गई? जो शराफत की तुमने जो धज्जियां उड़ाएंगी ना, हमारा दिमाग खराब है। हाँ तो एक काम करो दरोगा जी, जे लो अपना कमर बंद, अपने गले में चैन बनाकर इतराते फिरो। हम नहीं लेते, हम एक बार चीज दे दें फिर हम घुइया नहीं लेते, लेकिन तुमने जो करो है ना, बता रहे हैं उसूलन के खिलाफ कर दो काम। हो गो, बोल लियो तुमने। हाँ बोल लो। मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, जो तुम्हारी इजाजत हो तो हम भी कुछ बोल लें अपनी सफाई में। बोलो। सबसे पहली बात तो तुम ना जे टेंशन लेनो करो बंद। तो तुम देनो करो बंद। अरे हम टेंशन नहीं दे रहे हैं, बात समझा करो। जे पहली बार में तुमने जैसे हमको समझाया तो वैसे हम कर देते ना तो लोगों के कान खड़े हो जाते कि हमने तुमसे कहीं नछावर ली है। अब आगे अब दो दो तीन तारीख जाने दो, वाकई बात फैसला देंगे तो फैसला नेचुरल लगेगा, कोई को एहसास ना हो कि हमने कोई किसी से कोई रिश्वत ली है। थोड़ा नेचुरल भी तो दिखना चाहिए ना। हाँ तुम्हें हमको डांट रहे बस। सुनो यार, आज तुम भोलेपन में भले हमारी नजरन से गिर गई, लेकिन लोमड़ीपन के मामले में तुम काफी ऊपर उठ गई आज। लोमड़ी नहीं मतलब ना 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 बैसी वाली लोमड़ी ना, अरे ना हम कहने को जो मतलब तारीफ कर रहे तुम्हारी। यार तुम बहुत समझदार और तेज दिमाग की महिला हो हैं? लेकिन तुम ना दरोगा जी। हाँ पर डॉक्टर जैसे हो। कैसी? जो सुई भी खुद ही भोगता है उसके बाद भी रुई भी खुद ही लगाता है। हटो, दफा उनको क्रीम लगाने दो। अब हमें बुरू लग तो दफाओ मतलब। अरे यार सुनो, नहीं नहीं अबे तो हमें तुम्हारे साथ में एक बेहतरीन प्लानिंग करने, जो अम्मा को जो राय तो जो फैल हुई एक बार निपट जान दू। प्लानिंग? हाँ। बिना प्लानिंग के तो नौ नठैया खेल नहीं दरोगा जी। यार वैसी वाली हमेशा, एक तो तुम ना जब वाली गली में ना घुसू करो, जे हो गए भगवान के आशीर्वाद से नौ नठैया, ये तो लगाओ फुल स्टॉप। प्लानिंग को मतलब हतू के जो सारू जो केस निपट जाए तो हम तुम्हें लेके चलेंगे बेहतरीन रोमांटिक डेट पे, लग्जरी। अकेले बच्चे? फिर बच्चा को सिर के दर्द है, युद्ध पे जा रहे के लड़ाई झगड़ा कर पूरी फैमिली को लेके जा रहे। हम तुमको मतलब है, पर समझ जाओ ना वैसु वालो, हम और तुम बेहतरीन चलेंगे रोमांटिक डेट पे कमाल के होटल में। बढ़िया होटल। हाँ। मोमबत्ती से सजा हुआ और यार थे, हम जब बढ़िया कह रहे तो बढ़िया को मतलब है को तो लाइट है ना वो होटल में, तुमने वो मोमबत्ती घुसेड़ दी। अरे लाइट भी चली जाएगी सतर तो जनरेटर हो को दक 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 चलेगा। हे भगवान, दरोगा जी तुम ना रोमांटिक नहीं एंटिक होते जा रहे हो। काय काय एंटिक, हटो हमको नहीं जाना। मोमबत्ती घुसेट। अरे अब हमें बुरू लग गो वो दादा, ये औरत हमें शुरू से पसंद नहीं है। अरे का गपड़ पंचायत चल रही है, कौन बात पे खुशी मनाई जा रही? आए गए तुम, कितने गए थे? अरे बस गई थी। सुनो तुम्हारे लाने का चुल्ली आए हैं। अरे आंखें बंद करो। एक मिनट लल्ला, संभल के आंख बंद करना। पता है ना बिमले जब छोटी थी तो मेरी आंख बंद करके मेरे बटुए से 20 रुपए लेके भाग गई थी। ए, तुम धूम ठहर जाओ ना ससुर, तुम करो आंखें बंद करो। करो तो यार कर ले। अब खोलो। भैया हिरन का हार, हम पहन के देखते हैं। हाँ देखो देखो निकालो। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, हम एक न्योछावर जैसा लग रहा हूँ। कह चुके ही तुमने? एक महीना ना ना ना, हमने कही के बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, जम रहा हुए तुम पे फब रहा हुए है ना। दरोगा जी कितने प्यार करते तुम हमसे। अब तुम भी तनक फटाफट बता दू कि तुम भी हमें कितनों प्यार करती हो। अरे लल्ला जाल है जाल। आओ ये तो ऐसे ही सुनो, तुम बस इतनों कह दो कि दरोगा जी काम हो जाएगो बस।
अच्छा नहीं नहीं अच्छा तुम बैसू समझ नहीं का वैसे ही हो ना 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 जो तो कॉम्बो है अच्छा तो मैं लग रहा हूँ आदमी आ नहीं गलत है ठीक ऐसा काम ही नहीं करती जा मैं तो कहे कॉम्बो चीज है कैसू जा मैं रिक्वेस्ट भी है और पेल पेल के प्यार भी है जो तो हम ऐसे का पहली बार दे रहे का ना अरे लल्ला मैं तो पहले ही बोल रहा था कि जाल है जाल जाल साझी कर इधर दिखाओ जरा अरे अरे एक सेकंड आपका करोगे जाकू आपके ऊपर अच्छा ना लगेगा जो लेडी जा रहे हैं अरे पहनना नहीं देखना है देखने कैसे अरे कैसे मतलब क्या जो का है हीरा चेक करने का लेंस है अरे हमारी आंखों के सामने हार चेक कर रहे हम इतने प्यार से ले जो हमारी बेइज्जती है तुम्हारी हर बात पे बेइज्जती हो जाता है दरोगा जी पापा कफन का बिजनेस करने से पहले जौहरी के यहाँ काम कर रहे थे हिरन की अच्छी परख है इन्हें पता तो चले कितने को है लल्ला काते को घुइया अरे ये नकली है बेटा का कह रहे नकली है अरे जो लेंस नकली है तुम आओ अच्छा लेंस नकली है और अरे तू विश्वास नहीं किसी जौहरी से चेक करवा लो है हमें चूना लगा रहा था ये आदमी एक से चूना तो का घुइया की खेत में हमें को का मतलब अरे हमें मतलब जो मेरी बेटी का उसमें का आधा हिस्सा मेरा जो बाप है जो इस टाइप अरे तुम्हें शर्म ना आ रही मतलब शर्म तुम्हें नहीं आ रही दरोगा जी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी चोरी हाँ तो शर्म तुम्हें आओ चाहिए तुम्हारा बाप मतलब हमारे सामने नकली बता रहा हूँ हार को हम तुम्हारे लाने कितने प्यार से ले आई थी नकली है तो नकली बताए रहे हमें नहीं रहना है इस आदमी के साथ अरे हमें खुद नहीं रहने तुम्हारे साथ तुम क्या समझ नहीं हम कब मरे जा रहे का तुम्हारे साथ रहने के लाने एक हाँ जाओ मरो हमें नहीं रहने तुम्हारे साथ खुद हमें जी एक तो बार बार ये बदायूं वाली धमकी ना दो करो कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहने नहीं रहने ना रहो ससुर एक तो धोखाधड़ी तुम नहीं कही ऊपर से हमारे पापा को गलत कह रहे जे जे नहीं चाहिए हमें हार तुम्हें प्यार भी नकली और तुम हार भी नकली तुम्हारा बाप भी नकली नहीं मतलब बाप पापा सुनी हम ओ दादा अरे बाप नकली भाई बड़े जल्दी सोन की तैयारी हो रही अरे दादा हाँ तुम्हें खुश कर दें आओ तुम्हें खुश कर दें हटो नजदीक नहीं हमारे मुंह धोच देंगे तुम आओ खुश कम से कहो कहो कछु नहीं तो ऐसे कुप्पा जैसे जो मुंह का फूल हो कछु तो होगा तब इनके पूछ रहे कब होगा वो कह दिए ना कछु ने मतलब कछु ने छोड़ो सौ की सीधी बात छोड़ो चलो अब ऐसी बोल दो करो फिर ओ दादा अरे ये किस टाइप की औरत हो यार तुम वही टाइप की जो टाइप की तुम समझ रहे हो स्वार्थी आदमी है काय हाँ एक बार बोल दिए कि नहीं कछु नहीं कहो मतलब नहीं तो सीधे बिस्तर पे हमसे हमारी जान जा रही है तुमको नींद आ रही है अरे दादा तो तुमने बोली हमसे जोर दे के बोलो जोर दे के बोलो हमने जोर दे के भी बोलो अब तो मैं हाथ जोड़ रहे पांव पकड़ रहे अब बताओ क्या होगा वो भी हमें बताना पड़ा वो हैं है तो कहते भूत बताएगो तो मैं तो बताओगी अगर तुम नाराज हो तो ये किस टाइप की हेडलाइट जैसी आंखें किस लिए है तुम वहां खड़े थे ना जब तुम्हारी अम्मा हमारे पापा की आरती उतार रही थी ताने दे दे के काय नहीं बोले तुम कछु अब समझ में आओ ओके अब समझ समझ ओ दादा ठंडी हो जाओ शांत हो जाओ अरे यार भी बुजुर्ग हैं उम्र हो गई उनने कह दई तुम तो अम्मा को नेचर जानती हो ना मैं कतम तमाने तुम बिल्कुल जल तो बहुत बलब हो रही हो तुम शांत हो जाओ हाँ यही बात तुम अपनी अम्मा को कह देते कि शांत हो जाओ तुम्हारी अम्मा कह रही तो सब शांत हम कहें तो जलती हुई बलब क्या जरूरत है पापा को ऐसे खरी खोटी सुनाने की गलत गलत है उनकी तरफ से हम माफी मांग रहे अब छोड़ो छोटी सी बात है मट्टी डालो आओ चिपक के सोए यार छोटी सी बात जब छोटी सी बात है हाँ मट्टी डालें नहीं नहीं मतलब नहीं तो हम हमको एक बात बताओ जेई बात हम तुम्हारे पिताजी को कहते हैं और उसके बाद में हम कहते कि छोड़ो जाने दो रहने दो हो गई मट्टी डालो
तब भी तुम यही कहते हैं? नहीं कहते ना? जो जो हमारे पापा को कहे तो छोटी सी बात, मट्टी डालो। मतलब हमने सोची है बड़ी बात, लेकिन हमने ऐसे बोलने के लिए नहीं, हम बोल दे छोटी बात। हमें पता है कि ठीक नहीं है, शर्मिंदा है हम। इतना शर्मिंदा है, उतना तो दही जम गई थी। बोलना निकला अपने अम्मा के सामने। क्या जरूरत थी तुम्हारी अम्मा को हमारे पापा कैसे इंसल्ट करने की? हमारे दादाजी अंग्रेजों के जूते के तलवे बनाते आते, तलवे चाटते नहीं आते। ठीक है, अब तुम सो जाओ, अम्मा हमारी कलेश ना करो। अच्छा, हम कलेश करते, हम करें तो कलेश, इनकी अम्मा करे तो सत्संग। अरे काहे को सत्संग, ये देख लो, कर दो हड़कंप तुमने, अब लौंडा जग गो, अब कौन संभालेगो? तुम संभालो। हम तो पगला है क्या? सारू दिन में थाने देखे थे, घरे आके लौंडा पानी भी देखे, तुम कछु ना करियो। अरे चिल्ला रहा है वो, तू क्या करे? अरे देखो ना यार, हम नहीं देखेंगे, तुम जाके देखो। अरे तुम अभी तो संभालो, ओ दादा हम नहीं संभालेंगे। किस टाइप की हरकत है? वही टाइप की जो तुम करते हो हमारे साथ। अरे तुम्हारे अंदर ममता नाम की चीज है कि नहीं? ना। अरे रो रहा हूँ लौंडा, ओ दादा। अरे आ गए आ गए आ गए। अरे बेटा मम्मी ने कान में ये डारी, बाप ने नहीं डारी, तुम चिंता ना करो। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप। बेटा हमने कान में ये तो ना डारी, तुमने हमारे मुंह में खारी खारी पिचकारी डाल दी। खैर कोई नहीं, अपनो अपनो हो तो है दादा। इतनो अपनो नहीं हो तो फिर टैंकर फूलेगा।